खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज नागपुर के श्रद्धानंद पेठ इलाके में नाना पटोले का पूरा परिवार मतदान करने आया था और अभी अभी ये पूरा परिवार जो है वो मतदान करके आया हुआ है। आप देख सकते हैं नाना भाऊ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपने अभी जो स्याही है वो दिखाएंगे। अभी अभी मतदान किया है नाना भाऊ, आज की आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मुझे बहुत खुशी है कि मैं जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया था, ताजुद्दीन बाबा का यहाँ पे बहुत बड़ा कौमी एकता का एक स्थल है और यहाँ पे गणेश जी का जो मंदिर है जो वहाँ पे सब लोगों का विघ्न हर करता है और साईं बाबा का भी एक, मैं सब जगह जाके आया सुबह सुबह और मुझे जो यहाँ चुनाव के समय में जिस तरह से लोगों ने मुझे प्यार दिया है वो मैं कभी भी वो भूल नहीं सकता। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो बात कही है कि हम नागपुर को एक बड़ा हब बनाना चाहते हैं जैसे सिंगापुर और दुबई जैसे है वैसा, और यहाँ हमारे यहाँ बेरोजगारों का सबसे बड़ा एक इशू है और यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं नागपुर में। अब ये सब चीज़ों की जवाबदारी हमारी बनेगी, लोगों का आशीर्वाद भी हमारे साथ है और मुझे विश्वास है कि लोगों का जो विश्वास रहेगा वो विश्वास को मैं पूरी तरह निभाने में यशस्वी होगा। यही ताकत आज मैं सुबह सुबह जो दर्शन के लिए गया था, आशीर्वाद लेने गया था, वो वही मांगने वहाँ पे गया था। नाना भाऊ की पत्नी है मंगला जी हमारे साथ में। मंगला जी, आप क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे आपके लिए अहम रहे? नागपुर में सबका आशीर्वाद है, जीत हमारी पक्की है। बिल्कुल, नाना भाऊ की बेटी है नीता। नीता, क्या ये आपका पहला मतदान था नागपुर में? नहीं नहीं, मैंने इससे पहले 14 में भी किया था, बट ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से और पापा के लिए है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि नागपुर में बहुत ज़्यादा मतदान करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ में दूसरी बेटी है नाना भाऊ की, प्रिया। आप बताइए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज जैसे हमने दिन की शुरुआत भगवान जी के दर्शन लेके करी और अभी जो हमने एग्जाम दिया है उसके हम रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं और वो पॉजिटिव ही होगा हमारे लिए।